परसों पहले जो दर्द मैंने महसूस किया, आज वही दर्द तू महसूस कर रही है आभा। ये नियति है या इंसाफ, ये मैं नहीं जानती। बस इतना जानती हूँ, परसों पहले एक माँ ने अपने बच्चे को खोया था और आज वही माँ अपनी सूनी कोख को भरकर यहाँ से वापस जाएगी। हनी, इन ठाकुरों ने मुझे और मेरे बच्चे को पानी की एक बूंद के लिए भी तरसाया। लोग अपने घर के चिराग के लिए पलखें बिछाए बैठते हैं,
और इन लोगों ने खंजर मार के खत्म कर दिया। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? कैसे भूल सकती हूँ मैं ये? प्रसाद और ठाकुर ने जो किया है उसका बदला तो मैं लेकर जाऊंगी। मैंने तो अपने बच्चे को बिना पाए खोया है, तू उसे पाकर खोएगी आभा। ये मेरा बच्चा है, इसे मैं लेकर जाऊंगी। अगर आपकी जिद है तो हमारी भी जिद है। आज एक माह की परीक्षा है और इस परीक्षा में हम कुछ भी कर गुजरेंगे, लेकिन ये क्या? एक जेवर अभी भी स्वर्ण भवन में मौजूद है। इसका मतलब वो आत्मा भी वहीं पर है। आभा की जान को खतरा है। मैं अभी करण से बात करती हूँ। सुंदरा की आत्मा से आभा और उसके बच्चे की रक्षा करना भगवान। मैं तेरा बच्चा लेकर जाऊंगी उसे। हम अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चे को बचाएंगे। Come on.
नहीं बचा सकता तुझे। डॉक्टर मेहता आप ट्राई कीजिए प्लीज। भैया प्लीज कॉल द डॉक्टर। भाभी क्या हुआ? बहुत तकलीफ पड़ रही है आपको। अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। एक मिनट सॉरी। तेजस्विनी जी कहिए। आभा ठीक है? एक्चुअली आभा को लेबर पेन शुरू हो गए हैं और मौसम खराब होने की वजह से कोई डॉक्टर नहीं आ पा रहे, तो वो गायत्री जी है ना, वो दाइमा जी, वो डिलीवरी कर रही है। नहीं करण, आभा की जान को खतरा है। ये क्या कह रही है आप? कैसा खतरा है आभा की जान को? आत्मा अभी भी स्वर्ण भवन में है। स्वर्ण भवन में वसुंधरा का एक हार अभी भी वहीं पर मौजूद है। कौन सा हार? मैं कहाँ ढूंढू? हमने सब कुछ निकाल दिया था गोडाउन से। फिलहाल मैं इतना ही कह सकती हूँ करण कि वो हार स्वर्ण भवन के उत्तर पूर्वी दिशा में है और उस हार के आसपास पुराने जमाने की एक घड़ी रखी है। देखो करण, उस हार को ढूंढो और उसे भी शिप्रा नदी में बहा दो। लेकिन तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। जो भी तुम्हें करना है शाम की 5 बजे के पहले करना है। क्योंकि 5 बजे के बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। राहु काल के समय उस आत्मा को रोकना मुश्किल होगा। जल्दी करो करण, तुम्हें आभा और उसके बच्चे को बचाना है। जल्दी करो। नहीं, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं 40 मिनट में वो हार ढूंढ लूंगा। मैं आभा को और अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। क्या क्या हुआ? घर के उत्तर पूर्वी दिशा में कोई हार है उनका। बेटा उस दिशा में तो मेरा रूम है, वीर का रूम है और एक स्टोर रूम है। पापा मैं अपने कमरे में ढूंढता हूँ, आप लोग स्टोर रूम में जाइए। Dada, 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 dada
हम लोग मेरे रूम में देखे ना, देखे ऊपर शायद वहां। आत्मा को भी तृप्ति ना मिले, मेरी तरह वो भी अपने वंश का अंत होते हुए देखे। पर हम माफी मांग चुके, माफी माफ कर दीजिए। माफी नहीं चाहिए मुझे, बदला चाहिए, बदला। किसी पुरानी घड़ी के पास कहा था तेजस्विनी जी ने कि हार पुरानी घड़ी के पास पड़ा है। पुरानी घड़ी अलमारी में। मैंने हार ऊपर ही रखा था करण। ये रही घड़ी, इधर ही होगा हार। डबे चेक, डबे चेक कीजिए प्लीज। सब निकाल। तेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था, क्या गलती थी उसकी? विक्रम, हमें बचाइए विक्रम। ठाकुरों ने मुझसे वादा किया था विक्रम से मेरी शादी करवाएंगे, मुझे गहनों में ला दिया, शादी करवा कर घर में जगह नहीं दी, तय कहने में कैद कर दिया। और जब मैं मां बनने वाली थी तो मैं कितना गिड़गिड़ाई, तेरी तरह तड़पी आबा, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। करके चाकू खोप कर कोख में ही मेरे बच्चे को खत्म कर दिया, मार डाला मेरे बच्चे को। क्या कसूर था उसका? आज तक तुम मां क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि तू ठाकुर खानदान की बेटी है और प्रसाद खानदान की बहू। आज तेरे यहां औलाद हो रही है, वो भी मेरी इच्छा है आबा। ये मेरा बच्चा है, इसे मैं लेकर जाऊंगी, इसे मैं लेकर जाऊंगी आबा। सुंदरा जी, अगर आपकी जिद है तो हमारी भी जिद है। आज आज एक माँ की परीक्षा है और इस परीक्षा में हम कुछ भी कर गुजरेंगे, लेकिन अपने बच्चे को नहीं देंगे। बड़ी शक्ति से लड़ना पड़े, ये हमारा अंश है और हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन इस पर खरोंच भी नहीं आने देंगे।
सारे ग्रह मेरे पक्ष में होंगे, सुंदरा के पक्ष में, और तेरा बच्चा इसी काल में जन्म लेगा।